आप देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों का आपका अपना चैनल एम्प्लॉय खबर। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर के इस नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको यहां पर पिछले वीडियो में बताया था कि यहां पर काकिंदा कोलकाता में प्रेमचंद भवन काकिंदा कोलकाता में ईपीएस 95 पेंशनर्स और राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी के तत्वावधान में यहां पर जो है एक प्रांतिकीय सम्मेलन का आयोजन यहां पर होना था, तो वो जो है आज यहां पर जो है संपन्न हुआ। जैसा कि इसकी कुछ तस्वीरें आप यहां पर जो है स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस सम्मेलन में एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री माननीय कमांडर अशोक राउत जी, साथ ही चीफ सेक्रेटरी श्री वीरेंद्र सिंह जी समेत यहां पर जो है कई जो है महानुभावों ने यहां पर जो है इस सम्मेलन में भाग लिया। साथ ही यहां पर करीब 200 से 300 लोगों ने इस सम्मेलन में भाग लिया, सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक थे। साथ ही यहाँ पर जो यहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ता है और जो भी यजमान लोगों ने यहाँ पर सम्मेलन में भाग लिया, उन्होंने सभी ने जो है बारी बारी से अपने विचार रखे, अपनी अपनी समस्याएं रखी। इन सभी की समस्याओं को यहाँ पर जो है नोट किया गया और इनकी समस्याओं पर ध्यान दिया गया। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन को लेकर जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और जो यहाँ पर डिमांड है इनकी, इसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया। साथ ही सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों और जो यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारक अभी जो है इस योजना में शामिल नहीं किए गए हैं, उनको शामिल करते हुए यहाँ पर 7 दिसंबर 2019 को जो दिल्ली में रास्ता रोको आंदोलन किया जाना है उसके बारे में विस्तार से रूपरेखा बनाने की चर्चा की गई और अधिक से अधिक पेंशन धारकों को यहाँ पर जो है इस रास्ता रोको आंदोलन में आने के लिए आग्रह किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है यह सम्मेलन सम्पन्न हुआ है। तो यही वीडियो, ये जानकारी आप तक पहुँचानी थी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक भाइयों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।